हे गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को कमेंट करना। और यहीं पर ये वीडियो स्टार्ट होती है। फर्स्ट सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जो बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, और फिर हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है। कोई बंदा कह रहा होता है कि ये कोई गॉड डीमन सेक्टर की सील की गई हुई तलवार है और इधर बहुत पावरफुल है। फिर हमारा सीन डोजुआन पे शिफ्ट होता है। डोजुआन वहाँ पे एक वेपन देख रहा होता है। वो कहता है ये तो हेवनली डीमन स्वॉर्ड होती है, जो हेवन के सबसे पावरफुल औजार में गिनी जाती है। इसका बजट 50,000 युआन होता है। और शॉपकीपर कहता है आपको इस ढेर में से यही चीज़ पसंद आई। फिर शॉपकीपर कहता है लगता है मैं कीमत का टैग उतारना भूल गया। डोजुआन कहता है फिर क्या सही में इसकी रेट 50,000 युआन है मिस्टर? फिर शॉपकीपर कहता है हाँ, इसकी रेट 50,000 युआन ही है। चाह ये जी मैनेजर से कहते हैं क्या आप इसे ख़रीदना चाहते हैं? डोजुआन कहता है हाँ, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। फिर शॉपकीपर कहता है ठीक है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। फिर डोजुआन शॉपकीपर से कहता है ठीक है, इसे पैक करके रख दो, मैं इसे ले रहा हूँ। और जो शॉपकीपर होता है वो खुश हो जाता है और उसको पैक कर देता है और वो कहता है ये लीजिए। और जो डोजुआन होता है अपने सामान को लेके वहाँ से चल पड़ता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोजुआन खड़ा होता है। फिर उसके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है, वो अपने मोबाइल के मैसेज की तरफ देखता है। तो उस मैसेज की तरफ देखते ही वो कहता है चलो अब मुझे जाना होगा। और वहाँ से वो पलक झपकते ही स्पीड से ही गायब हो जाता है। इतनी स्पीड होती है हमें भी नहीं पता क्या आई, एकदम बहुत बहुत स्पीड में वो से गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो डोजुआन होता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है। और वो टीवी की तरफ देखता है तो टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है कि उस पर लिखा होता है 7:20 पे एक रिफ्ट बारे में पता लगा है, जो रेडार गायब हो गया है। मतलब उसका कोई रेडार होगा जो गायब हो चुका है। और फिर हमें बताया जाता है डोजुआन है अपने पास से एक फेक आईडी कार्ड दिखाता है। और डोजुआन कहता है ये अच्छी बात है कि मुझे इससे छुटकारा नहीं मिला। फिर जो डोजुआन होता है वहाँ अपने ड्रॉअर में एक मैसेज लिखकर चुपका देता है। डोजुआन वहाँ से गुरु माउंटेन पे चला जाता है, मतलब गोरियो माउंटेन होता है। और वो कहता है मैं यहाँ से आने में मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन गुरु माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ पे डोजुआन पहुँच चुका होता है। जहाँ पर डोजुआन देखता है वहाँ पर डू नॉट एंट्री का बोर्ड होता है, मगर डोजुआन फुल पैक होता है और चल पड़ता है। और एक दौड़ते दौड़ते एक रिफ्ट के पास पहुँच जाता है। उधर रिफ्ट ओपनिंग का एक डिवाइस लगा होता है जो चेक करता है कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर जो डोजुआन है वो अपना कार्ड लगाता है, फेक आईडी कार्ड होता है, उसको अंदर लगा देता है। और कंप्यूटर उसको स्कैन करता है और कहता है कम्फर्ट करके आ देता है और उसको अंदर जाने देता है। डोजुआन कहता है मैं इसे जल्दी ख़त्म करके, जल्दी उम्मीद थी कि इस हफ्ते मेरी छुट्टियाँ हों तो मैं जल्दी घर पर पहुँच जाऊँ। और इस फिर उसकी आवाज़ आती है किसी की, उसको किसी की आवाज़ आती है। वो देखता है कि 3 लोग जा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं पहले से ही कोई अंदर है। डोजुआन कहता है कितने अजीब हैं। उनमें से एक लड़की कहती है क्या तुम पागल हो, बिना सूट के रिफ्ट में घूमने आए थे? फिर चश्मे से लड़का कहता है इतना जोर से मत चिल्लाओ मीरा। फिर उसका लड़की का नाम हमें पता चल जाता है कि उस लड़की का नाम मीरा है। फिर वो वहाँ पे एक लड़का कहता है मुझे लगता है नहीं है कि कोई बिना सूट और वेपन के भी इसके अंदर आ सकता है। और फिर उनमें ऐसी बहस होने लग जाती है। फिर उनमें से जो लड़का कहता है शायद वहाँ एक फ्रीलांसर ब्रॉडकास्ट है। वे थोड़ी देर में दिखाई देता है। फिर चश्मेश लड़का कहता है कि थोड़ा आराम से बोल लो, बेचारा डर जाएगा तुम्हारे वजह से। फिर वही लड़का कहता है डोंगहुआन। फिर जो डोंगहुआन है वो कहता है मेरा नाम डोंगहुआन है और मैं मैगी गर्ल का एक मेंबर हूँ। और तुम कौन हो, तुम अपने बारे में हमें कुछ बता सकते हो? और फिर जो अपना डोजुआन है वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। और जो डोंगहुआन है वो कहता है लगता है कि तुम हमें अपने बारे में बताना नहीं चाहते। डोंगहुआन है वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ घूम रहे हो? वो कहता है हाँ मुझे पता। वो कहता है हाँ मुझे पता है मैं कहाँ घूम रहा हूँ। वो डोंगहुआन कहता है क्या तुम एक हंटर होते हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सुसाइड करने आए हो, कि तुम यहाँ पे बिना कोई सूट वेपन के आओगे तो कोई भी यही समझेगा तुम सुसाइड करने ही आए हो। और वो थैंक यू कह के मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक मॉन्स्टर का शिकार करके चला जाऊँगा। ज़्यादा मुझे मतलब मत परेशान करो, मैं एक मॉन्स्टर का शिकार करके चला जाऊँगा। और फिर वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो। फिर धरती हिलने लग जाती है और वहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े गॉब्लिन निकलने लग जाते हैं। डोजुआन को महसूस हो जाता है कि कोई मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और वहाँ से बहुत बड़े बड़े ऑर्ग निकलते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और उनका उधर एक बॉस भी होता है जो सबसे बड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो ऑर्गों के पास बहुत सारे हथियार होते हैं मगर उसके बॉस के पास कोई हथियार नहीं होता है। फिर जो मीरा होती है वो चिल्लाती है, वो चश्मेश से कहती है लगता है कि तूने ही पादा है। और चश्मेश कहता है हाँ मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था इसलिए मैंने गलती कर दी। और फिर जो डोजुआन कहता है मुझे नहीं लगता कि इनके पास
कोई स्किल है जिससे इन मॉन्स्टर्स को मार सके। फिर है ना डोजोन कहता है मुझे इनको देख के बहुत अनोइंग फीलिंग आ रही है। और फिर जो डोंग वान है वो डोजोन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे से बिना पूछे यहाँ से हिलना भी मत, और तुमने ज़्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे वो उसको नीचे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है। डोजुआन कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मगर इतना पता है कि मुझसे ये पता नहीं क्या चाहते हैं। डोंगवान कहता है लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मीरा और चश्मे से कहते हैं तुम चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। और फिर वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हैं। और जो वो डोंगवान है वो कहता है मीरा तुम अपनी शिपिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इन मॉन्स्टर्स को हराओ और हमें जिताओ। और वो तैयार हो जाते हैं और वो अपने एनर्जी को मतलब अपने अंदर रिस्टोर कर लेते हैं और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो सब एकदम फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। और जो डोंग वान है वो अपनी स्वॉर्ड है पता नहीं क्या वो उस पर अटैक करने के लिए ले चलता है। और जो डोंग वान है वो हैरान हो जाता है क्योंकि डोंग वान की जो स्वॉर्ड थी वो उस मॉन्स्टर ने एक हाथ से ही पकड़ ली थी, मगर डोंग वान बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि उसकी स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और सिर्फ उसने एक हाथ से पकड़ ली, ये बहुत बड़ी बात थी। और जो डोंग वान है और जो मॉन्स्टर है वो दोनों की आँखें मिल जाती और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उतने में तीरों की बारिश होती है। ये मीरा ने अटैक किया था, उनके पास मीरा के पास एक ऐसी पावर थी जिससे वो तीरों की बारिश कर सकती थी। और जो बंदा मतलब चश्मेश था वो गोलियां चला रहा होता, उसकी गोलियों से ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। जो मॉन्स्टर होता है उस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो है ना जो डोजुआन मतलब जो चश्मेश था वो वहीं पर उस पर अटैक करने में लगा हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर्स होते हैं, मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब जो ऑर्ग होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर हमें देखा जाता है मीरा कहती है डोंग वान से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा दूर है, मुश्किल है कि हम इसे हरा सकते हैं। जो चश्मेश होता है वो अपने मन में पता नहीं कुछ ज़्यादा ही सोचता है, वो कहता है हाँ हम इसे हरा सकते हैं। और वो कहता है कि ना लेकिन एक बात पूछना तो मैं भूल ही गया, जो बंदा अपने साथ था वो कहाँ चला गया। और वो दोनों डोजुआन की तरफ देखते हैं तो डोजुआन वहाँ से गायब हो चुका होता है। और डोजुआन की तरफ वो देखते हैं मगर डोजुआन वहाँ नहीं होता है, और वहाँ पर बहुत सारे ऑर्ग होते हैं और उनका लीडर भी होता है, उस लीडर को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तो ऑर्ग का लीडर है। और डोंग वान भी डर जाता है और जो मीरा होती है वो भी डर जाती है। और वो सब कहते हैं लगता है आज हमारा आखिरी टाइम है और हम यहीं पे मरने वाले हैं। वो कहते हैं मरने से पहले हम मार के तो मरेंगे। और फिर वो सारे लोग तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए और वापस उनके पास बढ़ने लग जाते हैं फाइटिंग के लिए। उन बहुत सारे ऑर्ग में से एक ऑर्ग उनके एक साथी पर अटैक कर देता है जिसका नाम चश्मेश होता है, जिसका नाम अब इसमें जिंग जू बताया जा रहा है, और उस पर अटैक कर देता है जिंग हू पे। और जो गॉब्लिन होते हैं उसके पीछे भी गॉब्लिन होते हैं, वो उस पर भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो गॉब्लिन होता है वो इतना पावरफुल होते हैं क्या बताऊं, और जो उनका लीडर होता है वो उन्हें पता नहीं क्या कह रहा होता है अपनी भाषा में। वो कहती है लड़की मीरा की लग रहा है आज हम इनका गुड मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनेंगे, प्लीज़ भगवान मुझे बचा लो, ऐसे वो चिल्ला के रो रही होती है। और जो डोंग वान होता है वो कहता है यहाँ पे कोई टाइम नहीं है भागने का और हम भाग भी नहीं सकते, तुम सोचो कि हम भाग जाएं यहाँ से। वो कहती है मुझे मौका तो मिले मैं यहाँ से पलक झपकते ही भाग जाऊं, मगर मैं भाग नहीं सकती ना, इतनी मेरे पास एनर्जी नहीं बची है भागने के लिए। वो कहता है कि ना हाँ वो भी बात सही है कि हम भाग नहीं सकते। फिर वो डोंग वान की तरफ जो डोंग वान होता है वो कहता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे ऑर्ग हैं उनसे लड़ो, और है ना वो मीरा से भी कहता है, तो वो भी तैयार हो जाते हैं। और जो मतलब हमारे जो डोंग वान है वो कहता है कि हमारे पास कोई भी टाइम नहीं कि हम आराम कर सकें, हमें इनसे फाइट तो करनी होगी। जो बहुत सारे ऑर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और विशाल होते हैं और उनके हाथ में बहुत पावरफुल वेपन होते हैं। सारे हमारे डोंग वान पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर डोंग वान भी कुछ कम नहीं है, भी उनसे फाइट करता है और बहुत बुरी तरीके से उन्हें हराने की पूरी कोशिश करता है और हराने भी लगता है, मगर वो थक हार के नीचे गिर जाता है। वो इतना थक जाता है कि उनके उसके पास इतने भी दम नहीं होती कि वो खड़ा हो जाए। वो कहता है अब मैं क्या करूँ, अब हम सब मर जाएंगे। और फिर जो मीरा होती है वो जोंग हो को लेके आ रही होती है एकदम ने उठा के, और जो वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन की एकदम बैड ऐसे एंट्री होती है, वो वहाँ पे आता है और सब लोग कहते हैं ये तो वही मिस्टीरियस बंदा है ना जो पहले हमने देखा था। और वो डोंगवान होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भाग जाओ वरना तुम मर जाओगे। और फिर जो वहाँ पे जो डोजुआन है वो अपने एक शील्ड बना देता है जो उनको कवर कर देती है पूरा, और वो कहता है अब ये पूरे सेफ रहेंगे। और जो डोंगवान है वो कहता है ये तो हम एक शील्ड है जो हमें प्रोटेक्शन करेगी और हमारा एक प्रोटेक्शन बैरियर ही मानो, ये प्रोटेक्शन बैरियर है। और फिर जो है ना डोजुआन है वो अपने पास से एक पावरफुल वेपन निकाल लेता है, उसका वही पावरफुल वेपन आप इसको जानते ही होंगे। और जो डोंग वान है वो भी उस शील्ड को देख रहा होता है, मतलब जो उसका बैरियर होता है वो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उससे कोई गॉब्लिन टकराएगा तो मर जाएगा। और जिधर उधर जितने भी गॉब्लिन होते हैं मतलब जो ऑर्ग होते हैं वो अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और जो है ना ऑर्ग उसके पास आते हैं मगर जो डोजुआन है वो बिल्कुल भी नहीं डरता, वो अपने पास से हेवनली डीमन स्वॉर्ड निकालता है और उसको अपने हाथ में रख लेता है। और वो पता नहीं क्या करता है कि वो स्वॉर्ड है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है
और वो उधर जितने भी डीमंस होते हैं उन सबको मारने लग जाती है। जो डोजुआन होता है वो कहता है कि ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो अपनी हेवनली डीमन स्वॉर्ड को अपने हाथ में लाता है और जैसे ही उसके हाथ में आती है सब लोग उस तरफ देखते हैं, तो उस तरफ सारे मरे हुए ऑर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब सारे ऑर्क मर चुके होते हैं उनका लीडर तक। वो सब कहते हैं कि वो सारे लोग ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा शौक थे कि वो कहते हैं ना सूट ना वेपन, वो भी इतने सारे ऑर्क को मार दिए वो भी सिर्फ एक तलवार की मदद से। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।